मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाय सेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ, वो कल के लिए मतलब 30 अप्रैल 2020 के लिए मैंने इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी और फ्यूचर्स का डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग लेवल दूंगा। तो बहुत सारा बाई सेल लेवल्स आप लोगों को दूंगा, आप लोगों को सामने रखो ले आऊँगा। तो इसमें आप लोगों को और इसके अलावा 100 डे EMA स्ट्रेटेजी इनसाइड द बार NR4 NR7 कैंडल स्टिक पैटर्न ये भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसमें आप लोगों को तो ये वीडियो आप लोग अंत जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा और इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताता हूँ तो वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने लाइव डेमो ऑफ इक्विटी कमोडिटी सॉरी निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी कमोडिटी पेयर ट्रेडिंग के ऊपर मैंने पेयर ट्रेडिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाता हूँ, लाइव डेमो दिखाता हूँ। तो उसमें वो आप लोगों को दिखने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे इसको मतलब ये बाइसेल लेवल कैसा कितना अच्छी तरह से काम करता है और इसको कैसे ट्रेड लेना है और इसका एक्यूरेसी कितना है। तो और इसके इस आप लोग जांच कर सकते हैं और एसेस कर सकते हैं। और मैंने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है तो उसमें आप लोग को ये सब मैंने कैसे ये करता हूँ, बाइसेल लेवल कैसे करता हूँ, चार्ट का सेटअप्स ये सब के बारे में आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। आप लोगों को ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर अटेंड करना चाहिए ताकि आप लोगों को जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों का टाइम एनर्जी मनी सेव हो जाएगा और बहुत सारा ये आप लोगों को बहुत 50-60 हज़ार 1 लाख का कीमत से आप लोगों को लेना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो कुछ भी है उतना सारा नहीं मिलेगा, तो भी वो नहीं मिलेगा। मेरा बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप लोग देखा है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में इतना सारा चीज़ आप लोगों को सिखाऊंगा। तो ये आप लोगों को बहुत ही इम्प्रूवमेंट आएगा और जो लोग एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों को भी ट्रेडिंग में बदलाव आएगा, बहुत ही इम्प्रूवमेंट आएगा, एक्यूरेसी आएगा। क्योंकि ये भी एक अच्छा टेक्निक है जो मैंने वोलेटिलिटी बेस्ड मेनली जो वोलेटिलिटी बेस्ड गान फिबोनाची जो लेवल्स है आप लोग किसी भी जगह ऐसा नहीं है कि गान एंगल्स आप लोग फ्री में वेबसाइट में देख रहा है और उसमें आप लोगों को चल मतलब देखता है और उसमें जो लेवल्स आप लोग को मिलता है ऐसा मतलब सिंपल चीज़ नहीं है, बहुत ही फास्ट चीज़ है। आप लोग को उसमें पूरा मार्केट को या स्टॉक मार्केट का मूवमेंट को आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप लोगों को मतलब ग्रिप में आ जाएगा। तो आप लोग उसमें आप अच्छी तरह से ट्रेड कर सकता है, उसको भी आप लोगों को सिखाया जाएगा। और जो मेरा बहुत सारा चैनल मेरा चैनल पे बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है जो कि आप लोगों को जो कुछ कोई भी आप लोग उसमें अडेप्ट कर सकते हैं और उसमें आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, उसमें भी आप लोगों को अच्छा एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट देगा, ठीक है। और मेरा YouTube वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें आप लोग ज्वाइन होकर आप लोग मेरा जो फाइल शेयर करता हूँ वो भी आप लोग देख सकता है। और जो लोग मेरा कॉल सर्विस लेंगे तो उन लोग के लिए मैंने ये पूरा फाइल शेयर कर दूंगा और लाइव मार्केट में भी टाइम टू टाइम अपडेट कर दूंगा। तो आप लोगों को इसमें बहुत ही काम आसान हो जाएगा, प्रॉफिट करने का काम आसान हो जाएगा, मेरा भी गाइडेंस रहेगा कॉल देने का। और ये जो बाइसेल लेवल कम स्किनर है इसमें क्या क्या है और क्या कैसे स्किनिंग करना है, इसमें वो जो वीडियो है व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल इन दिस बाइसेल लेवल कम स्किनर एंड हाउ टू स्क्रीन इट, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। मैंने बहुत सारा बाइसेल लेवल्स दिखाता हूँ तो आप लोग कोई भी किसी एक में ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो कंपेयर करके सोच लीजिए कुछ मतलब नज़दीक हो रहा है
तो उसमें आप लोग जो दो तीन मतलब कंपेरेबल है तो उसको आप लोग को जो सूटेबल लगेगा तो ये सोच लीजिए, ये सेटअप बाइसेल लेवल एक दिखा रहा है, ये बाइक का एंट्री दिखा रहा है, क्या ये टारगेट दिखा रहा है, वो बाइसेल लेवल ये टारगेट दिखा रहा है, तो एक कंपेयर करके आप लोगों को क्लियर एक टारगेट एंट्री टारगेट और एग्जिट आप लोग को स्टॉप लॉस आप लोगों को क्लियर भी हुआ जाएगा। आप लोग को कोई एक भी आप लोग यूज़ कर सकता है, वो भी है ये बहुत ही जो चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, जो फ्री में दिखाता हूँ वो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। आप लोग जो 1 मास 2 महीना 6 मास का आप लोग मतलब बाइसेल लेवल जो मैंने देखा देता दे, देता देते जा रहा हूँ तो उसमें आप लोग देख लीजिए, और आप लोग को उसना नेक्स्ट डे के आप लोग को एक्यूरेसी जांच कर लीजिए और मेरा लाइव डेमो जरूर देखिए, तो उसमें भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप लोग कल सर्विस और ट्रेनिंग आप लोग को जरूर लेना चाहिए, ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग तो मस्ट लेना चाहिए आप लोग को, तो और जो कॉल सर्विस लेना चाहिए वो भी मतलब जो लोग ट्रेनिंग देना नहीं चाहता वो लोग कॉल सर्विस ले सकता है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट सेट ऑफ बाइसेल लेवल दिखाता हूँ, ये है बाइसेल लेवल 1, ये है बाइसेल लेवल 1, ये बाइक का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ रहता है, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ रहता है, और सेल का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ रहता है, और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ रहता है। और इसमें आप लोगों को गैप ओवर गैप डाउन को कंसीडर कर लेना है, सोच लीजिए 5017.70 और 5037 के बीच में ओपन हुआ है, तो सोच लीजिए 5020 के है आसपास है, 21 5021 या 5022 है, तो उसमें उस टाइम आप लोग ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन सोच लीजिए कुछ 5028 तक चला गया या 5029 या 30 के आसपास चला गया, तो ये बेटर ये होगा कि 5037.50 क्रॉस होने के बाद नेक्स्ट लेवल पे लेने देखना है ऐसे, और ये आप लोगों को स्टॉप लॉस लेना है, तो ऐसे करके आप लोगों को समझ लेना है, आप लोगों को ऐसे करके ट्रेड लेना है। ये है बाइसेल लेवल, इसके बाद आएगा बाइसेल लेवल 2, ये है बाइसेल लेवल 2, इसमें आप लोगों को ये भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरीके से काम करेगा। इसके बाद आएगा बाइसेल लेवल 3, और बहुत सारे इंडिकेटर्स इधर लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप लोग देखें स्क्रीनिंग कर सकता है, मैंने इसको स्क्रीनिंग करके ही दिखाया, और मेरा स्क्रीनिंग वाला वीडियोस भी आप लोग जाके मेरे यूट्यूब चैनल में जाके सर्च करेंगे तो मेरा स्क्रीनिंग वाला वीडियोस भी आप लोगों को दिख जाएगा, और व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, और मेरे यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यह है बाइसेल लेवल 3, इसका R1 ये बाइक का एंट्री लेवल है, S1 सेल का एंट्री लेवल है, और यह है पिवट पॉइंट, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी इसमें भी आप लोग ट्रेड ले सकता है, और यह बोलिंजर बैंड का अपर बैंड मिड बैंड लोअर बैंड, ये भी आप लोगों को एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट हो सकता है, प्राइस चैनल है ये इसका अपर बैंड मिड बैंड लोअर बैंड आप लोगों को ट्रेड एंट्री और एग्जिट हो सकता है, और यह है टॉप लाइन टीरल लेवल का टॉप लाइन मिडिल लाइन बॉटम लाइन, ये भी बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसमें भी आप लोग ट्रेड कर सकता है। इसके बाद मैंने जो दिखाऊंगा ये है गन का एंगल्स, गन का एंगल्स ये सब आप लोगों को वेबसाइट में या फ्री में कहीं पर नहीं मिलेगा, ये आप लोग इधर से देख सकता है, और ये भी इसका इसके साथ वोलेटिलिटी लिंक लिंक करके जो लेवल है जो कि मैंने बाद में दिखाता हूँ, तो ये वीडियो आप लोग अंत जरूर देखिए, वो आप लोगों को ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, वो बहुत ही अच्छी तरह से या बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ काम करता है दोस्तों, ये आप लोग एक बार सीख जाएंगे तो आप लोगों को काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये है मूरेस मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैंने आप लोग को देखेंगे आज मैंने जो बाइसेल लेवल्स का मैंने डेमो दिखाया, लाइव डेमो दिखाया, इसमें ये देखे मैंने इसमें मैंने क्या किया है, बहुत ही अच्छी तरह से ये काम भी किया है, तो ये भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, ये भी आप लोग को मतलब मिल जाएगा जो ट्रेनिंग में आप लोग को इसमें जो दिखाएगा। और इधर जो है ये है 360 डिग्री का फास्ट 360 डिग्री एनालिसिस, ये गान का है 360 डिग्री वाइस एनालिसिस, गान का है 45 डिग्री, ये गान का इतना सारा बात सब्जेक्ट है, आप लोग इसको अपना के मतलब जब सीखेंगे अच्छी तरह से, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, नॉट ओनली दैट माई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और माई बाइसेल लेवल्स और मेरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऑल इज डिपेंडेंट ऑन द गन एंगल्स गन और गन गन एंगल्स और गन स्ट्रेटेजी,
बट इट इज़ ए पार्ट ऑफ माई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दैट हेल्प्स मी वेरी मच टू डिसाइड द ट्रेंड एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो इसीलिए आप लोग को इसको अपनाना चाहिए, आप लोग सभी लोगों को इसको अपनाना चाहिए। जो लोग समझता है, सोच रहा है कि नो ऐसा नहीं है मेरा, ये कुछ मेरा तो चल रहा है, मेरा सर नहीं चल नहीं देखना है, तो लोग का अपना अपना मर्जी है, तो उसमें तो क्या कुछ बताना नहीं है। लेकिन इसमें आप लोगों को सुविधा हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी आप माने मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है विथ रिस्पेक्ट टू GAN 360 का जो लेवल्स है, इसमें अप जाने का कौन सा चांसेस ज़्यादा है और डाउन जाने का कौन सा चांसेस है प्रोबेबिलिटी, वो भी इधर से आप लोगों को दिखेगा। और इसमें के बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, धैर्य रख के, पेशेंस रख के, क्योंकि बहुत सारा चीज़ मैंने दिखाने वाला हूँ, तो इसमें आप लोगों को बहुत ही काम पे आएगा। तो इसमें है निफ्टी बैंक निफ्टी का बाय सेल लेवल 1, ठीक है। जो मैंने आप लोग कोई भी बाय सेल लेवल 1 आप लोग को यूज़ कीजिए लाइव मार्केट में। जब मैंने भी बहुत किसी किसी टाइम दिखा देता हूँ कैसे नेक्स्ट डे अगला दिन का जो फाइल कैसे नेक्स्ट डे कैसे काम किया है। तो कोई भी लेवल आप लोग इस्तेमाल करके देखिए आप लोगों को कहाँ पे, और जो कोई भी एक लेवल आप लोगों को कोई भी लेवल आने के बाद कुछ मतलब प्रॉफिट के पास नहीं गया, तो आप लोग मेरे को जरूर फीडबैक देना। बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ ये काम करता है दोस्तों। यह गान एंगल्स, ये अभी सिंपल गान एंगल्स, इसका जो वोलेटिलिटी लिंक जो गान एंगल्स आप लोगों को दिखाने दिखाऊंगा, वो बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा। एमुरियस मैथमेटिकल लेवल्स, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। ये 45 डिग्री एनालिसिस, ये मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस करने का टाइम बहुत ही लेवल दिखाया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का बहुत ही लेवल दिखाया। वो आप लोग को जो वो सब सपोर्ट डिस्टेंस जब आप लोग को याद रख के मतलब मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, लाइव रियल मार्केट में ट्रेड करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे, तो आप लोग को बहुत ही काम पे आ जाएगा। और इसमें आप लोग को कमोडिटी को दिखाता हूँ। मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी दिखाया हूँ और चार्ट का एनालिसिस डायरेक्शन भी प्रेडिक्ट किया हूँ। ये कमोडिटी का लेवल्स है, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से कोई भी स्क्रिप्ट इसमें अच्छी तरह से काम करता है। लोग पॉज करके करके सभी लेवल देख सकता है। मैं तो ऐसा करता हूँ कि सभी लेवल देख के जो नज़दीक मिलता है, जो कंपेरेबल होता है, उसमें ट्रेड करता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैंने जब लाइव डेमो दिखाता हूँ ऐसे करके ही दिखाता हूँ। अब लोगों को सामने क्लियर पिक्चर आ जाएगा। सोच लीजिए कुछ कॉमन या नज़दीक लेवल्स आता है, जो लेवल थोड़ा सा दूर है या थोड़ा सा आगे है, तो उस लेवल्स को आप लोग रिजेक्ट कर सकता है। जो लोग जो लेवल्स कंपेरेबल नज़दीक है, तो आप लोग को पता चल जाता है कि ये सभी बाई सेल लेवल्स, ये लेवल बाई का एंट्री लेवल दिखा रहा है या ये सेल का एंट्री लेवल दिखा रहा है, तो वही अच्छा सबसे अच्छा लेवल्स होगा। लेवल का मतलब क्या है? लेवल का मतलब है सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड, आप लोग कुछ भी बोल सकता है। प्राइस एक्शन भी ऐसे ही चलता है। ये लेवल्स कहाँ से निकलता है दोस्तों? बहुत सारे लोग बोलते हैं ये लेवल्स तो प्राइस एक्शन से ही बनता है ना, ये जो फिबोनाची बोलिए गान लेवल्स और भी बहुत कुछ गान फैन पिच ये सब का लेवल्स तो प्राइस एक्शन से ही बनता है। इंडिकेटर्स वगैरह जो कुछ भी है, इसमें
इसमें वॉल्यूम, मार्केट प्रोफाइल, इसमें जो कुछ भी कॉन्सेप्ट, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है मार्केट में, मैंने भी बहुत सारा रिसर्च एनालिसिस करके ये बनाया है, तो इसमें सभी आ जाता है, मार्केट इसी में चलता है। अब लोग माने या ना माने, जो लोग मानता नहीं है तो उन लोग का बात है, लेकिन मैं मार्केट ऐसे ही चलता है। अच्छा, तो इसमें इसके बाद मैंने इस सीट में दिखाऊंगा 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी। तो इस सीट में क्या है वो भी आप लोग को, और भी क्या है वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो इसमें देखिए, मैंने बाई का साइड अप ट्रेंड का बाई और सेल लेवल रखा है, डाउन ट्रेंड का बाई और सेल लेवल रखा है। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसका जो फिबोनाची का एक्सटेंशन और रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट काम पे लगा के ये लेवल बनाया हुआ है। इसमें क्या है कि जब बाई कुछ अप ट्रेंड वाला कोई स्टॉक्स या कोई भी स्क्रिप्ट जब ऊपर जा रहा है, तो उसका सही लेवल कौन सा रहेगा, तो उसका आप ट्रेंड, आप लोग कुछ भी कोई भी एंट्री ले लेंगे तो आप लोगों को लॉस हो सकता है, और आप ट्रेंड जब रिटेस होकर नीचे आएगा तो कौन सा लेवल पे सही होगा जो आप लोगों को सीओ प्रॉफिट दे सकता है। और ये डाउन ट्रेंड में भी ऐसा है, डाउन ट्रेंड में जब आप रिटेस होकर ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, डाउन ट्रेंड जब और भी नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, और कौन सा लेवल पे कौन सा है ये मैट्रिक्स से आप लोगों को दिख जाएगा। और कौन सा कैसे ट्रेंड पकड़ने के लिए बहुत सारा इंडिकेटर्स, इधर 530 का मूविंग एवरेज का दिखाया है, उसके बाद इधर भी बहुत सारा इंडिकेटर्स मूविंग एवरेज लगा हुआ है। मेरा और भी एक फाइल है, उसमें आप लोगों को बहुत सारा इंडिकेटर्स मैंने कैलकुलेट करके रखा है। एनीवे, इधर जो 100 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रेटेजी आप लोगों को दिखाऊंगा, तो ये है कि जो आज का डेली कैंडल को, जिस स्टॉक्स का आज का डेली कैंडल को 100 डे मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज काट किया है, वो जब नेक्स्ट डे में उसका हाई लो ब्रेक होगा तो ये अच्छा मूवमेंट देता है। तो इसमें आज बना है एशियन पेंट में दिख रहा है, बर्जर पेंट में दिख रहा है, स्कॉर्स में दिख रहा है, और कुछ में नहीं दिख रहा है। जो लोग कमोडिटी करना चाहता है, इसमें नेचुरल गैस में नेचुरल गैस में दिख रहा है। अच्छा, इसमें मैंने ये आर्बिट्रेज वाला है, ये इसका बेसिस पॉइंट आप लोगों को मिल जाएगा। ये फाइल आप लोगों को जब मिलेगा दोस्तों, बहुत सारा चीज़ जिसका जिन लोग का जो कितना प्रेफरेंस है, देखिए इधर जिंदल स्टील का फ्यूचर में, इधर फ्यूचर और कैश में 1.31 दिखा रहा है, तो ये सब आप लोग को मतलब ये आर्बिट्रेज किया जा सकता है। तो ये इसमें एक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है, तो ऐसे का आप लोग देख सकता है। और इधर कोऑर्डिनेशन पेयर ट्रेडिंग, जितना सा स्टॉक्स में कितना कौन सा स्टॉक्स में कितना सा कोऑर्डिनेशन है, एक्चुअली जो जिस स्टॉक्स में ज़्यादा है वो मैंने सेक्टर वाइज एनालिसिस करके, पूरा सेक्टर एनालिसिस करके, पूरा स्टॉक्स एक एक करके, स्टॉक्स एक एक करके कंपेयर करके मैंने इसको बना है। तो इसी का स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा मतलब कोरिलेशन रहता है, तो 90 का ऊपर क्या रहता है, कौन सा स्टॉक, वो भी मैंने हाईलाइट करके रखा है। इधर आज जो मैंने फाइल जब मैंने मतलब लेटेस्ट प्राइस देके अपडेट किया है, तो 90% कुछ नहीं दिखा है, लेकिन 80% के जो है, 80% 85% के जो है वो भी आप लोग ट्रेड कर सकता है। और इसमें आप लोग चेंज मतलब वन डे का बेसिस पे आप लोग कर सकता है, इंटरडे भी कर सकता है, जो लोग डिलीवरी करना चाहता है उसमें भी कर सकता है, 7 डेज का, 15 डेज का, 30 डेज का हिसाब से इसमें बनाया हुआ है। और कौन सा स्टॉक, कौन सा पेयर का, कौन सा टाइम फ्रेम में कौन सा स्टॉक्स को बाई करना है, और कौन सा स्टॉक पेयर का अंदर कौन सा स्टॉक्स को बाई करना है, कौन सा स्टॉक्स को सेल करना है, वो भी आप लोगों को इधर से दिख जाएगा। एटलीस्ट आप लोग को जो एटलीस्ट 85-88 के ऊपर जो है उसी स्टॉक्स में आप लोग को ट्रेड करना है। इसके बाद मैंने इंसर्ट दबा NF4 NF7 दिखाऊंगा, इसमें मेरा थोड़ा सा पेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, इस पेज में बहुत ही मतलब बड़ा हो गया, इसीलिए इसका प्रॉब्लम हो गया है। इसमें देखिए इधर इंसर्ट द बार बना है, इसमें देखिए इधर
बना है अदानी एंड में, वनडे का हिसाब से 61 ओवर बना है, इनर सेवन बना है एशियन पेंट में, ठीक है। और इधर अभी आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या क्या है, आप लोग इधर जो जा रहा है, और इसमें और भी कुछ पैटर्न्स है। इसमें देखिए हाई रही हाई लोज बना है इस स्टॉक्स में, इसी स्टॉक्स में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बैंक बड़ौदा में हाई रही लॉ लोज बना है। इसका जो हाई लो ब्रेक करता है बहुत ही अच्छी तरह से मूवमेंट कर सकता है। इधर हैंगिंग मैन बना है, हैंगिंग मैन जब अप ट्रेंड में बनता है तो इसका लो आने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा रहता है। अपोलो हॉस्पिटल में बना है, ये इन्वर्टेड हैमर बना है, इन्वर्टेड हैमर बजाज फिनेंस में बना है, ये लो आने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। और इसके बाद जो ये इसमें ओपन ड्राइव बियरिस कुछ सेकआउट ये सब चीज़ आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इसमें जब स्टॉक्स को मैंने इधर इसको स्क्रॉल करके रख देता हूँ तो आप लोग को जब ये स्टॉक्स का नज़र दिख जाएगा, आप लोग कौन सा स्टॉक्स में क्या क्या बना है आप लोग को इधर से दिख जाएगा। उसी का हिसाब से बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने फॉर्मूला देखिए इधर बनाया हुआ है। जो लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानता है उन लोग को पता चल जाएगा हाँ ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। आप लोग चार्ट पे भी चेक कर सकता है, मैंने एक्सेल में ये इसको फॉर्मूला देके बनाया है, इसको भी आप लोग देख सकता है। बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न इधर से इसमें भी आप लोग को जितना सारा स्टॉक्स इधर से दिख रहा है आप लोग को वन डे के लिए काफ़ी है। आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग को मतलब ट्रेड हो जाता है, और इसमें सभी जगह बहुत सारे जगह में ये स्किनर भी मिलता है। लेकिन इसके साथ जो बाई सेल लेवल्स दिखाता हूँ वो आप लोगों को किसी ने नहीं दिखा पाएगा, जो वो दिखा पाएगा तो इतना एक्यूरेसी के साथ इतना मतलब जो क्वालिटी का जो है और क्वालिटी है इसमें जो बाई सेल लेवल्स का तो आप लोग ही जांच करेंगे, मैं बोलता हूँ, लेकिन आप लोग को जांच भी कर लीजिए तो आप लोग देख सकते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ही साइंटिफिक वे में ये बना हुआ है ये बाई सेल लेवल। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, फाइल इतना बड़ा हो गया ये स्लो हो गया है, मतलब इसको खींच के भी मैंने नहीं दिखा पाता हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स आप लोगों को दिखाऊंगा जो मैंने बोल रहा था, इसको वोलेटिलिटी वेस्ट फिबोनाची लेवल्स गन एंगल्स वो आप लोगों को देख लेना है, दिखाऊंगा। देखिए चल रहा है, बहुत ही स्लो बन गया है, इसका अच्छा मैंने इसमें देखिए इतना स्टॉक्स में नहीं दिखाता हूँ, इसमें क्या है बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ, क्योंकि स्टॉक्स में इतना सारा स्टॉक्स में मैंने करने से ये अच्छा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी को दिखा देता हूँ। मैंने इसमें इसका पहले जो वोलेटिलिटी बेस जो लेवल्स है उसका वोलेटिलिटी बेस जो लेवल है उसका पहले मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम में फिबोनाची का लेवल्स मल्टीपल टाइम फ्रेम में बना है। फिर इसमें क्या होता है कुछ लंबा टाइम फ्रेम में जब कुछ लेवल आ जाता है तो इसका इंटरडे में भी इसका मूवमेंट बहुत ही अच्छा दे देता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया, लोग थोड़ा सा हॉस करके या रिवाइंड करके देख सकता है। ये जो सेक्शन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये फिबोनाची बेस्ड वोलेटिलिटी, ये वोलेटिलिटी बेस्ड फिबोनाची लेवल्स, ठीक है। तो इसमें सब स्क्रिप्ट है एक्चुअली, मैंने इसको कुछ स्टॉक्स दिया है इसमें सब बहुत सब स्क्रिप्ट है,
तो यह निफ्टी बैंक निफ्टी का ये लेवल्स देख सकता है, ये वॉलेटिलिटी का फिबोनाची लेवल्स आप लोग इसको फॉलो कर सकता है कल नेक्स्ट डे मार्केट में, तो आप लोग देख सकता है। ये है गान एंगल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी एवी, और ये है गान डिग्रीज का लेवल्स, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी आप लोग को सिखाया जाएगा। और ये फिबोनाची ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये है एलियट वेव का लेवल्स, और इसका जो एलियट वेव का लेवल्स है, और ये है हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स, वोलेटिलिटी बेस्ड हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स। तो ये भी आप लोगों को सीखा जाएगा और कैसे इसको एक्यूरेटली काम कर रहा है। आप लोग को मेरा बाय सेल लेवल्स पिछले देखिए, अभी अभी देखिए, अभी अभी मैंने जो जो कल को जो कल के लिए जो देखिए, और पिछले वाला देखिए, और मेरा लाइव डेमो वाला वीडियोस देखिए, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और ये फिबोनाची बेस्ड जो लेवल्स है इसका मतलब अप जाने का और डाउन जाने का कैसे है, और वोलेटिलिटी गान डिग्री का जो वोलेटिलिटी बेस्ड गान डिग्री उसका हिसाब से अप जाने का और डाउन जाने का कैसे प्रोबेबिलिटी है, वो भी इधर से दिख जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। अभी इधर ही वीडियो ख़त्म करता है। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग बहुत सारा इसका फ़ायदा उठा सकता है। और मेरा कल का मैंने लाइव डेमो दिखाने का कोशिश करूँगा, वो आप लोग जरूर अटेंड कीजिए। धन्यवाद।